नमस्कार, आप देख रहे हो जी समाचार वेब टीवी में दीपक पाठक। राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कुछ सीटें तो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। दरअसल कई विधायकों ने संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने के लिए विधायकी छोड़ी थी, लिहाजा वह विधानसभा सीटें खाली हो गई। वहीं कुछ विधायकों के निधन के बाद विधानसभा सीट खाली हुई, जिसके बाद नए विधायकों को चुनने के लिए उपचुनाव करवाया जा रहा। 10 जुलाई को बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून रही और स्क्रूटिंग भी 24 जून को हो गई। नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि 26 जून तय की गई थी। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद अब 10 जुलाई को वोटिंग हो रही है, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। हिमाचल में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान आज होगा और नतीजे 13 को आएंगे। 3 विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव के लिए मतदान आज हो रहा, जिनमें देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा, जिनमें कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। शनिवार 13 जुलाई को सुबह 8 बजे मतगणना होगी और शाम परिणाम घोषित हो जाएंगे। देहरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह के बीच है, जहां कुल 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसी खबर के साथ मुझे दो इजाजत और आप देखते रहे जी समाचार वेब टीवी।